आज हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे भगत सिंह की जिंदगी के वो आखिरी 12 घंटों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। भगत सिंह ने खुद को जेल की कठिन जिंदगी को अपनी जिंदगी मान लिया था और उस कोठरी के वो आदि हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी सी जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर बमुश्किल ही उसमें आता था। जेल में सभी कैदियों के लिए भगत सिंह किसी आदर्श और किसी नेता की तरह थे। जेल के वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के सुख चिंतक थे और अपनी तरफ से जो कुछ भी बन पड़ता था करते थे। वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो लाहौर के द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें जेल में लाया करते थे। 23 मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल। दिन की शुरुआत रोज की तरह हुई थी, फर्क सिर्फ इतना था कि सुबह सुबह जोर की आंधी आई थी। लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लग रहा था जब 4 बजे वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी कोठरी में चले जाएं। पर कैदियों ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया और कहा कि आदेश ऊपर से है। सभी कैदी सोच ही रहे थे कि आखिर माजरा क्या है, कि तभी जेल का नाई बरखत हर कमरे के सामने फुसफुसाते हुए गुजरा। आज रात भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। और उस क्षण उन सभी के दिल की धड़कने से रुक गई थी। कुछ देर के सन्नाटे के बाद कैदियों ने बरकत से गुहार लगाई कि फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज, पेन, कंगा या खड़ी, कुछ भी उलाकर उन्हें थे ताकि वो अपने पोतों और पोतियों को जाकर दिखाएं कि वो भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। खामोशी का भी अब गला रुद गया था और अब सब कैदी चुप हो चले थे। उन सभी की निगाहें उन कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थी क्योंकि भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने से पहले उसी रास्ते से गुजरने वाले थे और लोग सब उन्हें निहारना चाहते थे, एक बार देखना चाहते थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने ऊंची आवाज कर से उनसे पूछा था कि आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी के केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। तो भगत सिंह ने जवाब दिया था, इनकलाबियों को मरना ही होता है क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। भगत सिंह को फांसी लिए जाने के 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने के लिए पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रेवोल्यूशनरी लेनिन लाए हैं या नहीं। मेहता ने उन्हें वो किताब दे दी। वो उसी समय पढ़ने लगे मानो जैसे उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप कोई देश को संदेश देना चाहते हैं। भगत सिंह ने किताब से बिना मुंह हटाए कहा कि सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष बोस को भी मेरा धन्यवाद पहुंचा दे जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से भी मिलने उनकी कोठरी में पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्हें कुछ ही महीने पहले दिया गया था। मेहता के जाने के थोड़ी ही देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला कि आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबी से अनुरोध किया था कि वो उनके लिए फांसी दिए जाने के 1 दिन पहले शाम को अपने घर से खाना बना कर लाए, लेकिन बेबी भगत सिंह की इच्छा पूरी नहीं कर पाए क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी देने का फैसला ले लिया गया और बेबी जेल के गेट के अंदर ही नहीं घुस पाए। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों के बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद हम होंगे, या अपनी ही जमी होगी या अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। सबके वजन बढ़ गए थे।
इन सबसे कहा गया कि आप आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाया और कहा कि वाहेगुरु को याद कर लीजिए, लेकिन भगत सिंह ने मना कर दिया। बोले कि मैंने पूरी जिंदगी ईश्वर को याद नहीं किया, असल में मैंने कई बार गरीबों के कलेश के लिए ईश्वर को भी कोसा है। अगर मैं अब उनसे माफी मांगूंगा तो वो कहेंगे इससे बड़ा कोई डरपोक नहीं है, इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये माफी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी में 6 बजे कैदियों ने दूर से आती कुछ पदचापें सुनी। उनके साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थी, साथ में एक गाने का भी दबा स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तभी सभी को अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त था। फांसी देने वाले मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलाया गया था। भगत सिंह तीनों के बीच खड़े हुए थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया गया वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएं। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडीदास सोनी का घर लाहौर सेंट्रल जेल के बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज सोनी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक करके फांसी खींची और उनके पैरों के नीचे से तख्तों को पैर मार कर लटा दिया। काफी देर तक उनके शव तख्तों पर लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन ने और लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सोधी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक जेल अधिकारी पर इस फांसी का इतना असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वह मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से ही मना कर दिया। उसे उसी जगह निलंबित कर दिया गया। एक जूनियर अफसर ने यह काम को अंजाम दिया। पहले योजना थी इन सबका अंतिम संस्कार जेल में ही कर दिया जाए, लेकिन फिर यह विचार त्यागना पड़ा जब अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल से धुआं उठता देखकर बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। लिहाजा जेल के पीछे वाली दीवार को तोड़कर उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत ही अपमानजनक तरीके से इन शवों को एक सामान की तरह फेंका गया। पहले से तय हुआ था कि अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत कम था, इसलिए उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। जैसे ही उनमें आग लगाई गई, लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे ही बरातनी सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वो शवों को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। सारी रात गांव के लोगों ने उन शवों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट ने दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपका दिए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। इस खबर पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा कि अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरह जलाया भी नहीं गया। तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस निकाला गया। पुरुष ने विरुद्ध स्वरूप अपनी बाहों में काली पट्टी बांध रखी थी और महिलाओं ने काली साड़ियां पहन रखी थी। लगभग सब लोग हाथों में काले झंडे लिए थे। लाहौर के मॉल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच रुका। जैसे ही फूलों से ढके तीनों ताबूतों के उनके शव पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई। इधर वार्डन चरण सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां देखी थी, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया था। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ठीक 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करेगी। और हुआ भी यही, 1947 को भारत आजाद हो गया। इस बार मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि हमारे इस स्टोरी को लाइक करें या कमेंट करें। हाँ, अगर आपको पसंद आई है तो शेयर जरूर करें। हमारी इस स्टोरी को बनाने का मकसद आप सभी लोगों में देश के प्रति अलख जगाना है।